अस्सलामुअलैकुम। मैं बनाने जा रही हूँ भरे हुए परवल की सब्ज़ी। मैंने थोड़े से तेल में ये 10 परवल मैंने जिससे काट कर चुके इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद और परवल के बीज को मैंने निकाल लिया था और ये चना दाल मैंने भिगो कर रखा है। 3 बड़े प्याज लिया है और इसे मैं चॉप कर लेती हूँ। मैंने प्याज चॉप कर लिया है। परवल को इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है, ये जिससे कटे होने चाहिए। मैं थोड़ा सा तेल डालूँ। मैंने प्याज डाल दिया है, अब इसे ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। परवल के जो बीज मैंने निकाले थे इसे मैं जार में डाल के पीस लूंगी। इस तरीके से पीस लेना है। ये मसाले हैं धनिया पाउडर, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 1 गरम मसाला, 1 गरम मसाला और ये पत्ते हैं कड़ी लाल मिर्च। मैंने ये मसाले पीस कर रखा था। अदरक लहसुन और जीरा काली मिर्च का मैंने मसाला पीस लिया था। प्याज ब्राउन हो गए हैं और इसमें मैं चना डाल दूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दी हूँ जो मैंने पीस कर रखा था। 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब मैं ये पेस्ट डालूँगी। ये सब मसाला मैं डाल दूँगी। मसाले फ्राई करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाल डाल करके भूनते रहना है। पानी के बाद इस तरीके से बना करके चूल्हे से उतार लेना है। अब इसमें इसके अंदर डालते जाना है। अंतिम इस तरीके से इसमें सबने भर लेना है। इन सभी में इसी तरीके से सबको ऐसे जैसे भर लेना है। और कुछ मसाले रह गए हैं, बच गए हैं, तो मैं इसी में सबको इस तरीके से डाल देना है। ढक्कन लगा के 3 सीटी लगा देना है। सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे चाहे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ। मैं इसे चावल के साथ आज खाऊंगी और सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। प्लीज़ इसे आप लोग भी ट्राई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।